हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर 3, उसी को कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के अंदर हमने पॉलीगन्स को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। मिनिमम साइड हमारे पास कितने होनी चाहिए, 3 साइड्स ट्राइंगल होते हैं, फिर उसके बाद 4 साइड को क्वाड्रिलेटर, 5 साइड पेंटागन, 6 हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन एंड टेटागन। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होता है? जैसे हमारे पास गिवन फिगर है ए बी सी एंड डी, ये लाइक दैट हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये रेक्टेंगल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो अपोजिट नॉन एडजेसेंट जो वर्टेक्स होते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स मीन्स ए एंड सी, बी एंड डी, अगर इनको ज्वाइन कर तो हमारे पास देखिए ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास डायगोनल्स। तो आपको डेफिनेशन में याद रखना है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड डायगोनल्स, ए को सी से। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर दें गिवन फिगर में तो वो सीधा सा एग्जांपल किसको हो जाएगा, डायगोनल्स। तो ए सी एंड बी डी क्या है हमारे पास, डायगोनल्स। इसके बाद देखिए डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या हो। अब देखिए, जैसे इससे पहले कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं पॉलीगन के टाइप्स, अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या हो। रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते। तो स्क्वायर हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, रेगुलर पॉलीगन। एंड इरेगुलर पॉलीगन जस्ट इसका अपोजिट, साइड्स हमारे पास इक्वल नहीं होगी और ना एंगल इक्वल होंगे। जब साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल का एग्जांपल इरेगुलर पॉलीगन, पेंटागन हो गया, पेंटागन का एग्जांपल 5 साइड है, 1 2 3 4 5 पेंटागन, ये रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल पेंटागन, पेंटागन और डिफरेंट एग्जांपल हमारे पास डिस्कस हम कर सकते हैं। तो हमको सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल्स आल्सो इक्वल, इररेगुलर पॉलीगन साइड्स आर नॉट इक्वल एंड जब साइड इक्वल नहीं तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन की एग्जाम्पल। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स डिस्कस किया था रेगुलर पॉलीगन इररेगुलर, तो अब डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। देखो सिंपल सा इसमें डिफरेंस है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स में ये कॉन्वेक्स एंड या कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो हमारे पास वर्टेक्स है कॉर्नर वो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ उभरे होंगे, और कॉनकेव में क्या है, जो वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे कोई फिगर बनाया हमने, ये कॉन्वेक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, ये कॉन्वेक्स। अब देखिए इसमें जो कॉर्नर है ए बी सी डी, ये हमारे पास पी क्यू आर, अब जो वर्टेक्स है देखिए जो कॉर्नर है हमारे पास ये बाहर की तरफ होंगे सारे आउटसाइड कॉर्नर, लेकिन कॉनकेव में क्या है, जैसे हमने फिगर बनाया इसका,
कॉनकेव में अंदर की तरफ होंगे इसकी जो केव होगी लाइक देखो अब देखिए इसमें इसका कोई नाम दिया हमने ए बी सी एंड डी जो हमारे पास ये देखिए ये वर्टेक्स ये अंदर की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये जो कॉर्नर है कॉनवेक्स में तो जो वर्टेक्स है बाहर की तरफ होंगे सारे लेकिन कॉनकेव पॉलीगन के अंदर जो वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ होंगे अब इसमें जो वर्टेक्स सी है वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं बाहर नहीं कॉर्नर तो ये कॉनकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं हमारे पास इसका कोई नाम दिया आपने P U R S T अब जिसमें देखिए T जो वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ केव बन रही लाइक दैट केव ये देखिए केव बनेगी आपके तो सिंपल से आपको याद रखना है केव जो बनेगी उसमें वो कॉनकेव पॉलीगन होगा इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ होंगे और जो कॉनवेक्स पॉलीगन में जो वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ होंगे इट मीन्स आउटसाइड होंगे